तो भाई पूरे भारतवर्ष में इस समय एक त्यौहार के साथ साथ दो दो त्यौहार आने वाले हैं, यानी कि होली भी आने वाली है और ईद भी आने वाली है। तो भाई इस समय हम कुछ आपको होली के वीडियो दिखाएंगे और कुछ ईद से रिलेटेड यानी कि रमज़ान वाले वीडियो दिखाएंगे, और उन्हीं वीडियो में एक नॉनवेज पॉइंट हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम खड़े हैं तलाक महल के पास और तलाक महल इस समय भाई सजा हुआ है काफ़ी खूबसूरत सा, पूरा का पूरा सजा हुआ है। यहाँ के कई सारे वीडियो हम बना चुके हैं पहले भी, और एक शॉप आज हमको नज़र आई है, देख रहो बर्रा किंग द यूनिट ऑफ रॉयल स्ट्रीट, ये जस्ट सामने इनका रॉयल स्ट्रीट का हमने एक वीडियो बनाया था, ये देख रहो ये रॉयल स्ट्रीट है यहाँ का जो वीडियो हमने बनाया था, जिनमें हमने आपको दिखाई थी बहुत सारी चिकन और मटन की डिशेस, उन्हीं की एक बढ़िया सी ब्रांच खुल चुकी है। यहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, उसके बारे में आज आपको दिखाते हैं, आपको आप अंदर से दिखाते हैं कि सबसे पहले देख लो ये सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है सेक्शन आप आराम से यहाँ देख सकते हो, ये एक पूरी की पूरी लेन है जहाँ पे आप आराम से आके पार्टी कर सकते हो। आठ हमको लग रहा है ये सिक्स सीटर का है, थ्री चार आदमी एक साथ एक चार आठ आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया सा इनका ये जो मेन्यू है वो हमारे सामने आया, उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये ग्रिल के आइटम इनके लगे हुए हैं, ग्रिल के आइटम में ठीक है, फ्राइज़ का आइटम है, ग्रेवी का आइटम है, बिरयानी है, रोटी है, खीर है, ठीक है कई सारी वैरायटी है के साथ साथ। ये इनका पता और ये इनके मोबाइल नंबर है, ठीक है आइए आपको भाई से मिलवाते हैं। चलो अब हम लोग मिल रहे हैं फरमान भाई से, ये नारी है, नहारी है मटन नारी है, मटन एंड चिकन, मटन एंड चिकन की नहारी भी आपके यहाँ पे मिल जाती है भाई, बैठने की व्यवस्था तो बढ़िया करवा दी है, नहारी की रंगत तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है हमको, खाने का टेस्ट आओ जरा देख लो, ये स्टू है ठीक है, और आगे बटर चिकन है ठीक है, बटर चिकन ठीक है, और सामने अपना वो लगा हुआ है मलाई टिक्का है, मलाई टिक्का लगा हुआ है ठीक है। तो भाई यहाँ का क्या टाइमिंग रखा है, टाइमिंग वही होगा, टाइमिंग पाँच से एक है, अभी तो रमज़ान के टाइम पे तो थोड़ा लेट तक खुला होगा, सब क्योंकि सब रोजे से चल रहे हैं इस टाइम, तब तरावी के बाद आते हैं इसलिए थोड़ा लेट, और लगभग दो तीन बजे तक तो खुल जाता है। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों से कि ईद के बारे में, ईद की तो सबसे पहले ईद की शुभकामनाएं सबको, ईद की बधाई, और ईद पे यहाँ पे ज़रूर आएँ क्योंकि ईद के लिए स्पेशल तैयारी भी हमको लग रहा है आपने कर रखी है, पहले तो हाँ रमज़ान की तैयारी और ईद की तैयारी काफ़ी अच्छी चीज हो रखी है, आपने बैठने की व्यवस्था भी करवा दी, कितने लोग बैठ जाएंगे एक बार में इसमें बैठ जाएंगे 52 लोग बैठ जाएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है, कौन है भाई ये हमारे शेफ है, नहारी मटन, नहारी मटन स्टू और बटर चिकन यही बनाते हैं स्पेशली दिल्ली से आए सीख के। अच्छा तो पुरानी दिल्ली से आपने थोड़ा सीखा हुआ, इसके बारे में बताइए आप कहाँ से सीख के आए, क्या है चाचा के साथ। अच्छा अच्छा तो भाई ये है इनका रुमाली रोटी का काउंटर है ठीक है, और भाई हमारे रुमाली रोटी बना रहे हैं, क्या नाम भाई आपका, मोहम्मद जलालुद्दीन बना रहे हैं रुमाली रोटी भाई, ये ये देखिए इनका भाई जी क्या बात, ये देख रहे हो करता भाई साहब क्या बात है, ये रुमाली रोटी भैया की बनती हुई, ये पूरी कंप्लीट हो गई भाई, देख रहे हो ये रुमाली रोटी तैयार हो गई है बन करके ठीक है, और भाई ने कंप्लीट कर दी, क्या बात है। तो भाई अभी भी हमारी बात हुई भाई से ठीक है, तो भाई से बात करने के बाद हमने अपना मलाई टिक्का मंगवाया था, मलाई टिक्का आ करके एकदम बढ़िया सा फ्रेश आ गया है, इसके ऊपर देख रहे हो जैसा पहले मैंने आपको दिखाया था कि बढ़िया सा अमूल क्रीम मक्खन पूरा का पूरा पड़ा हुआ है ठीक है, काफ़ी फुली से लोडेड सा बना हुआ है, और इसको तो यूँ ही ट्राई करने वाला है भाई, देख रहे हो सब पीस अलग अलग हो रहे हैं, ये देखो बढ़िया तरीके से, और क्रीम और मक्खन की कोई कमी नहीं है, और इसके साथ यहाँ पे भाई सर्व करते हैं, ये प्याज देते हैं, हरी चटनी होती है को लेता हूँ उसके साथ, देखो हम्म
भाई कोई जोड़ नहीं है, जैसा स्वाद था पहले वैसा स्वाद अभी भी है, गजब का टेम्पटिंग सा फ्लेवर है, एकदम जूसी है, क्रीमी है, ठीक है, बटरी तो है ही है, गजब भाई। इसके साथ साथ देख लो, ये इनकी स्पेशल सी चिकन बिरयानी है, और ये भाई इसका क्या नाम था, ये बटर चिकन आया है, ठीक, ये बटर चिकन ग्रेवी देख रहे हो, काफ़ी टेम्पटिंग सी लग रही है, एकदम जूसी सी लग रही है, और इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए ये लाल मिर्च का तड़का भी लगाया गया है, और इसको सर्व किया गया है पूरा का पूरा। ये ग्रेवी देख रहे हो, लुक एट द ग्रेवी भाई, ग्रेवी में अच्छी खासी थिकनेस है, और जो पीस है वो तो काफ़ी दमदार सा लग रहा है, शानदार सा, इसको भी निकालता हूँ, आ जा भाई, ये ठीक है, इसको सर्व कर लिया है, अब देखें कैसा है। यहाँ पे आपको मिलती है साथ में रुमाली रोटी होती है, जिसके भी हमने मेकिंग दिखाई थी, उड़ती हुई फ्लाइंग रुमाली रोटी हमारे पास आई है, ठीक है, अब इसको खाते हैं, का स्वाद आपको बताता हूँ कैसा है। भाई बटर चिकन नो डाउट देखने में और टेस्ट करने में बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिपरेशन है क्योंकि काफ़ी घंटों की वो नज़र आती है, देख रहो ये, लुक एट द क्रीमिनस रिचनेस ऑफ ग्रेवी भाई साहब, भाई उम्दा कहते हैं ना, उम्दा उम्दा सी ग्रेवी है, थोड़ी सी ग्रेवी और ले ले, क्योंकि यहाँ की ग्रेवी हो, चिकन का पीस भले कम आ जाए लेकिन ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए, मज़ा आ गया खा के भाई। और साथ में है बिरयानी, ये चिकन बिरयानी है, वो देख लो, चिकन बिरयानी होती है, घी की होती है, और पीसेस की कोई कमी नहीं है, हर तरह पीसेस ही पीसेस हैं, को खाते हैं। भाई एक नंबर भाई, हल्की सी मीठी मीठी खुशबू आ रही है, जैसा कि घी की बनी हुई है, बढ़िया सा फ्लेवरफुल, मज़ा आ गया इसको खा के। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हो या कभी भविष्य में कानपुर आने वाले हो, तो जब भी आप तलाक महल के एरिया में आइए ना भाई, तो यहाँ पे जो रॉयल स्ट्रीट है तलाक महल पे, उसकी ही ब्रांच है जो बर्रा किंग जस्ट सामने है, यहाँ पे भैया बैठ के खाने की बढ़िया सी व्यवस्था है, यहाँ पे आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ के खाइए, इन्जॉय करिए, और चाहे तो भैया पैक करिए घर पर खाइए, और भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। तो भाई हम लोग यहाँ से चल ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे भाई हमको मिले, तो यहाँ के ओल्ड कस्टमर यहाँ आते रहते हैं। भाई उसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। तो भाई यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं, कैसा टेस्ट आपको यहाँ का लगता है, उसके बारे में थोड़ा मुझे लगता है। मैं यहाँ पे कब से आ नहीं रहा हूँ, मैं जब से आ रहा हूँ, जब से इस रॉयल स्ट्रीट की नींव रखी गई है, अच्छा जी, मैं तब से यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ का टेस्ट जायका बहुत शानदार है, और अब तो और अच्छा कर दिया, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया उन्होंने, फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। और टेस्ट का मामला ये है, बर्रे के मामले में तो हमें लगता है शहर में कोई मुकाबला नहीं है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। तो क्या आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे हमें लगता है हमारे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स, हम लोगों को जब भी कभी इस तरीके का कोई प्लान करना होता है तो हम लोग रॉयल स्ट्रीट ही आते हैं अपने फरमान भाई के पास, वो चाहे जायका हो और चाहे यहाँ के ऑनर हैं जो मिस्टर फरमान बहुत शानदार आदमी हैं, जायके के साथ साथ उनका मिजाज बहुत अच्छा है, और जो भी प्लान अप किया है बहुत शानदार प्लान किया है, मिजाज तो आपका भी काफ़ी अच्छा है। तो क्या आप अपने दोस्तों से कहना चाहेंगे कि वो फूडी अमित कनपुरिया को चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें? बिल्कुल, आपके कनपुरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा भाई, आपको आगे आने वाले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, जो रमज़ान चल रही है उसकी भी काफ़ी शुभकामनाएं, ठीक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी भारत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी, चाहे होली हो चाहे वो हो ईद, सब एक साथ मना रहे हैं सब लोग, बिल्कुल मिलाएंगे और हमेशा मनाए और हमेशा मनाएंगे और हमेशा मनाते रहेंगे, हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी।